दोस्तों एक्सप्रेसवे और हाईवेज पर आपने स्टील के क्रैश बैरियर्स तो देखे होंगे, लेकिन NHAI समय समय पर इन क्रैश बैरियर्स के डिजाइन में कई इनोवेशंस करता रहता है, जिसके चलते अब NHAI के द्वारा दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बेम्बू क्रैश बैरियर को इंस्टॉल किया गया है, जो NHAI और भारत के लिए इनोवेशन के फील्ड में एक बड़ा अचीवमेंट है। इस इनोवेटिव बेम्बू से बने क्रैश बैरियर को महाराष्ट्र में वानी बरोरा हाईवे पर लगाया गया है। इन बैरियर्स को बनाने में बेम्बू की स्पीसीज का इस्तेमाल हुआ है, जिसे क्रियोसोट ऑयल से ट्रीट करने के बाद इस पर हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की कोटिंग की गई है। इन बैरियर्स की स्ट्रेंथ और रेटिंग की बात करें तो नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट रैक्स यानी नेट्रेक्स जैसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कड़ी टेस्टिंग के बाद इन बेम्बू क्रैश बैरियर्स को बाहुबली नाम दिया गया है, और CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट किए गए फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे क्लास 1 की रेटिंग मिली है। इसके अलावा इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया है। बेम्बू क्रैश बैरियर्स स्टील बैरियर्स की तुलना में काफी सस्ते और इफेक्टिव होंगे, और रिसाइकलिंग वैल्यू की बात करें तो स्टील बैरियर्स जहां 30-50% तक रिसाइकलेबल है, तो वहीं बेम्बू से बने बैरियर्स को 50-70% तक रिसाइकल किया जा सकता है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि इंडियन रेलवे भी ट्रैक्स की फेंसिंग के लिए कई डिजाइंस पर विचार कर रही है, जहां इस तरह की कॉस्ट इफेक्टिव बैरियर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टील बैरियर्स की तुलना में बेम्बू बैरियर्स एक इफेक्टिव अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ साथ भारत में बेम्बू सेक्टर को भी बूस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इस पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।